आपका मेरे चैनल गोरखपुरिया स्टाइल में स्वागत है। मैं हूँ सोनी। तो आज सुबह के नाश्ते में बच्चों के लंच के लिए मैंने बनाया था काफ़ी ज़्यादा टेस्टी पूड़ी, जो 5 मिनट में बन के तैयार भी हो जाता है, झटपट से बन जाता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैंने सबसे पहले 2 कटोरी गेहूँ का आटा लिया था, उसमें 2 बड़े चम्मच सूजी डाला था, 2 बड़े चम्मच बेसन डाला था। इसमें जो भी चीज़ें नहीं हो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन गेहूँ का आटा ज़रूर मतलब रखिए, उससे जो है हेल्दी बनता है। वैसे तो ये नाश्ता मैदे से बनता है, लेकिन मैंने मैदे से नहीं बनाया था ताकि मैदा अनहेल्दी होता है। और उसके बाद मैंने 1/2 चम्मच जो है नमक डाल दिया था, 1/2 चम्मच डाला था मैंने काला वाला मंगरई, जिसे बहुत जगह पे काला वाला जीरा भी बोलते हैं, उसे क्रश करके डाला था। अजवाइन 1 चम्मच क्रश करके डाला था, 2 चम्मच मैंने घी डाला था। घी की जगह आप रिफाइन ऑयल भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। घी मैंने इसलिए डाला था कि हेल्दी रहेगा, सही ठीक रहेगा। 1/2 चम्मच मैंने जो है डाला था इसमें लाल मिर्ची पाउडर, और सारी चीज़ों को मैंने जो है अच्छे से, 1 चम्मच मैंने इसमें कसूरी मेथी भी क्रश करके डाला था, अच्छे से एकदम से मिला लेंगे ताकि सारी चीज़ें आटा और मैं सूजी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के को गूँथ लेंगे, एकदम टाइट आटा गूँथेंगे, एक थोड़ा भी मुलायम न रहे पूरी के आटा, और 5 से 10 मिनट तक रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि सूजी जो है वो फूल जाए। और उसके बाद इसको छोटी छोटी लोई लेके जिस तरह हम पूड़ियाँ बेलते हैं उस तरह से इसको बेल लेंगे। काफ़ी ज़्यादा 5 मिनट में बनने वाला नाश्ता है, झटपट से बच्चों के टिफिन के लिए बना सकते हैं। इसके साथ सिर्फ टोमेटो केचप अगर टिफिन में दे दें तब भी अच्छे से खा लेते हैं, या हरी चटनी के साथ, किसी के साथ भी, चाय के साथ तो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि उसके साथ किसी चटनी की ज़रूरत ही नहीं लगती है। तो मुझे चाय के साथ ये नाश्ता काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं अपने लिए चाय बना ली थी सुबह के नाश्ते में बना था, बच्चों के लिए मैंने टोमेटो केचप के साथ उनके टिफिन में रख दिया था, और साथ में मैंने जो है हस्बैंड को भी चाय के साथ दिया था, उनको भी चाय के साथ ये नाश्ता काफ़ी पसंद आता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसा लगा, और एक लाइक करना तो एकदम न भूलें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।